नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पालित और पोषित श्रीकांत त्यागी के मामले में एक और नई जानकारी आपको देते हैं। आज अभी कुछ क्षणों पहले उसकी गिरफ्तारी श्रद्धापुरी क्षेत्र पड़ता है मेरठ में। मेरठ में एक हॉस्टल है, त्यागी हॉस्टल को अपने आप में बड़ा कुख्यात और बड़ा दबंग हॉस्टल माना जाता है। लंबे समय से जो त्यागी ब्राह्मण छात्रावास है वो अपने आप में बड़ा सशक्त क्षेत्र माना गया है, और मेरठ यूनिवर्सिटी जो इस समय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, उस यूनिवर्सिटी का ये एक ऐसा कैंपस है, एक ऐसा उससे बाहर निकल के श्रद्धापुरी के पास में ये जो कचहरी है उसके पास में एक ऐसा कैंपस है जहाँ पर छात्र रहकर अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं। श्रीकांत त्यागी लगातार वहाँ के छात्रों के संपर्क में था। जिस तरीके से 15 गुंडे पुलिस की अभिरक्षा के बाद इस कॉलोनी में आए और आकर उन्होंने उस महिला को ढूंढने का प्रयास किया जिस महिला के साथ श्रीकांत त्यागी ने अभद्रता की, और उसके बाद उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज उसी हॉस्टल में एक बैठक थी और बैठक में इसको शामिल होना था, तो कितने बड़े मंसूबे उसके थे कि वो युवाओं को जोड़कर और कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती देता हुआ दिख रहा था। आखिर उसके पीछे कौन है, ये सब तमाम दस्तावेज मिलेंगे। चेतना मंच को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, श्रीकांत त्यागी के गिरफ्तारी के संबंध में नोएडा पुलिस के द्वारा पुलिस आयुक्त नोएडा स्वयं इस संबंध में डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो संपूर्ण जानकारी इस प्रकरण की देंगे। उनको ये शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जो कानूनी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद से प्रेस से वो सभी चीज़ें शेयर करें ताकि चीज़ें सभी को स्पष्ट हो सके। धन्यवाद। वो ये जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ बहुत टॉप 10 लेवल के जो अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में थे, सर्विलांस की टीम थी वो लगातार संपर्क में थी, वो समय समय पर कभी जब उसके जो मोबाइल जो खुलता था उसमें अपने वकील के संपर्क में था, अपनी पत्नी के संपर्क में था और अपने एक दो लोगों के संपर्क में था जो उसे कहीं ना कहीं शेल्टर कर रहे थे, उसे कहीं ना कहीं सलाह दे रहे थे, और ये जानने का प्रयास था, उसे पल पल की जानकारी मिल रही थी। इन तमाम चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं जो टेक्निकल टीम थी, जो सर्विलांस की टीम थी, वो टीम अपने उस पर काम कर रही थी, और नोएडा पुलिस की एक विशेष टीम ने उसको श्रद्धापुरी से हिरासत में लिया है। अभी आकर उसकी अरेस्टिंग दिखाई जाएगी। तो नोएडा को जो मेरठ से जोड़ता है, जो हाईवे जोड़ता है, उस हाईवे पर एक टीम उसको लेकर आ रही है, उसको गौतम बुद्ध नगर में जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा, वहां से उसको रिमांड पे लिया जाएगा और आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, और अब नेताओं को ये समझना होगा कि गुलदस्ते लेकर उनसे जो फोटो खिंचाने वाले लोग आते हैं, जो उनका सम्मान करने वाले लोग आते हैं, उनका चरित्र क्या है। खबरों में हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खबर में इतना ही। चेतना मंच के साथ लगातार रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।